अगर आप थोड़ा सा नमक ले लेते हैं और उसको एक पोटली में बांधकर अगर आप घर में किसी जगह बांध देते हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके पर आप इस नमक को घर में रख लें और फिर आप इस अमल के मौजजात खुद अपने घर में मुलाहिजा करेंगे। घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर आप मकरूज हैं तो कर्ज अदा हो जाएंगे और अगर घर में तंगी है तो वो दूर हो जाएगी और अगर आप फकीर हैं तो बादशाह बन जाएंगे। इसके अलावा भी इस अमल के बहुत से करिश्मात हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपको इस अमल का तरीका तफसील के साथ बताता हूँ। याद रहे कि यह अमल नमक का अमल है और नमक हर घर में मौजूद होता ही है। इस अमल को आपने पाक हालत में बावजू होकर करना है। आप किसी बर्तन में एक मुट्ठी के करीब या थोड़ा सा कम नमक ले लीजिए और उसे अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और उसके बाद 21 मरतबा सूरह नशरह, जिसे अलम नशरह लक सदरका भी कहते हैं, उसकी तिलावत करें। 21 मरतबा सूरह नशरह के बाद 21 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करें और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम या करीमों का विर्द भी 21 मरतबा करना है और आखिर में दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने नमक के ऊपर फूंक मार देनी है। इस तरीके पर आपने ये अमल मुकम्मल करना है। अब रहा सवाल ये कि इस नमक का आपने क्या करना है, तो इसके लिए आप कोई पाक साफ कपड़ा ले लें, सफेद रंग का हो या फिर काले रंग का हो तो बेहतर होगा, वरना फिर कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए जो साफ सुथरा हो। इस नमक को उस कपड़े में डाल दें और उसकी एक पोटली बना लें। एक बात याद रहे कि आपने इस नमक से थोड़ा सा नमक बचा लेना है और इस नमक को आपने घर में इस्तेमाल होने वाले नमक में शामिल कर देना है। और जहां तक पोटली की बात है तो उस पोटली को आपने घर में ऐसी जगह पर लटका देना है या फिर किसी जगह पर रख देना है। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपके घर में बरकतों का नुजूल होगा और आपकी तंगियां और परेशानियां खत्म होंगी। याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। यह अमल अल्लाह की करम नवाजियों को आपकी और आपके घर की जानिब मुतवज्जे कराएगा। इस अमल को मेरी बहनें भी कर सकती हैं और मेरे भाई भी इस अमल को कर सकते हैं। जिस भी मकसद और हाजत की नीयत से इस अमल को करेंगे वो मकसद और हाजत पूरी हो जाएगी। यह अमल कुरान पाक की दो सूरतों और अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम का अमल है। दोनों सूरतें 30 सिपारे की मुख्तसर सूरतें, ज्यादा लंबी नहीं है और अक्सर लोगों को याद होती हैं। अगर याद ना हो तो देख कर भी आप इन सूरतों को पढ़ सकते हैं। पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और इसकी